हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमें एक लिंक्ड लिस्ट गिवन है, दो लिंक्ड लिस्ट गिवन है और हमको उस दोनों को इस वे में मर्ज करना है कि मर्ज करने के बाद भी वो जो हमारा लिंक्ड लिस्ट बनेगा ना, वो सॉर्टेड ही बनेगा। ठीक है, इस चैनल पर इस प्रॉब्लम को हम एक और वे से सॉल्व किए थे, उसका भी वीडियो है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें अप्रोच क्या था, हम दोनों नोड के डेटा को, हम दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे थे, ठीक है, और उसके डेटा को कंपेयर कर रहे थे। दोनों नोड में से जिस भी नोड का डेटा स्मॉलर था ना, हम एक नया एक फंक्शन क्रिएट किए थे, हेल्पर फंक्शन। वो फंक्शन क्या करता था, वो नोड क्रिएट करके उसको एंड में इंसर्ट करा देता था। और इसी तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता रहता था। कब तक चलता था, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो हमारा टेस्ट केस गिवन है, एक नोड एन है, उसमें चार नोड है, ठीक है, एक लिस्ट है उसमें चार नोड है और एक एम नाम का लिस्ट है उसमें टोटल तीन नोड है। तो उस दोनों का डेटा कंपेरिजन हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ, फाइव और टू में कंपेरिजन हुआ। तो हमारा टू छोटा था तो एक नोड हम क्रिएट कर देते थे उस हेल्पर फंक्शन से, ठीक है। लेकिन वो सॉल्यूशन हमारा एक ब्रूट फोर्स तो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन उस सॉल्यूशन की जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन ही होता है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो वो बी ऑफ एन प्लस एम हो जाता है। एन प्लस एम क्यों, क्योंकि एक जो हमारा लिंक लिस्ट है उसका साइज है 4 और दूसरा लिंक लिस्ट का साइज है 3, तो हम कितना नोड क्रिएट किए, 7 नोड क्रिएट किए ना, इसीलिए बिग ऑफ एन प्लस एन। लेकिन यहाँ पर जो हम इसको अगर अच्छे से इसका कंस्ट्रेंट गिवन देखें ना, तो ये लिख रहा है एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस एन, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको जो स्पेस चाहिए ना, वो बिग ऑफ एन मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस हम यूज करें, ठीक है। तो ये वो सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है जिसमें इसको कोई सा भी हम नोड क्रिएट ना करें, कांस्टेंट टाइम में इसका सारा ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। तो आइए हम उस अप्रोच को अब डिस्कस करते हैं कि हम इसको मर्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नया नोड नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम इसी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके इसी के पॉइंटर्स में चेंजेस करेंगे। हमको पता है लिंक लिस्ट में दो ही चीज़ होता है, दो ही पढ़ाई से मेंबर वेरिएबल होता है, एक तो डेटा होता है, दूसरा हमारा पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड को करता है पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या सोचे हैं, हम यहाँ पे बारी बारी से लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और यहाँ पे लिखा भी है गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऑफ एनएमएम नोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द टास्क इज टू मर्ज बोथ ऑफ द लिस्ट इन प्लेस एंड रिटर्न हेड ऑफ द मर्ज लिस्ट, इन प्लेस ही करना है, मतलब जो नोड हमको गिवन है ना, हमको उसी में चेंजेस करना है। ऐसा नहीं है कि हमको अब न्यू नोड क्रिएट करते जाना है, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन था, बट अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चार नोड क्रिएट करते हैं, चार पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नोड क्रिएट करने के यहाँ पर नीड नहीं है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक और ऐसे हम इसको कुछ ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हेड वन लिख देते हैं और यहाँ पे हेड टू, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंट करेगा पहले लिस्ट के पहले नोड को, बी जो है वो पॉइंट करने लगेगा दूसरे नोड को। एक और नोड बनाते हैं, ये अभी नल को पॉइंट करेगा, एस्ट्रिक डी ये भी हमारा अभी नल को पॉइंट करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक कर लेते हैं, अभी मेरे पास क्या चीज़ का एक्सेस है, हम अपने पहले लिस्ट के पहले नोड को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरे लिस्ट के पहले नोड को एक्सेस कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, राइट। तो हम उसी को यहाँ पे चेक कर लिए। तो इसके लिए हम लिखे, यदि अगर ए का यहाँ पे मेंबर वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं, मेंबर वेरिएबल है डेटा, ठीक है। तो अगर ए का वेट अ मिनट, ठीक है, कोई ड्राइवर कोड से तो कोई यहाँ पे नीड नहीं है, इसको चाहे तो
जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए का जो डेटा है वो छोटा है बी के डेटा से, इसका क्या मतलब है? ए का जो डेटा है वो छोटा है बी के डेटा का, इसका ये मतलब है कि पहला नोड जो हमारा है ना, जो पहला लिस्ट है उसमें जो पहला नोड है उसका वैल्यू छोटा है किससे? हमारे दूसरे नोड के, दूसरे लिस्ट के पहले नोड के डेटा से। तो हमको ये समझ में आ गया कि अब हमको जितना इंसर्शन करना है ना, इंसर्शन नहीं, जितना मर्जिंग करना है वो पहले लिस्ट में करना है, ठीक। तो यहाँ चेक करने के बाद हम सिंपली एक लूप चला देते हैं, जब तक वाइल ए का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए ना भाई, तब तक आप ये काम करो, ठीक है। एंड जब तक बी नल के इक्वल ना हो जाए ना, ये दोनों कंडीशन है और हम बीच में लॉजिकल एंड लगाए हैं, ठीक है। तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है भाई, तब तक हमको ये लूप चलाना है। इस लूप में क्या करेंगे, इस लूप में हम चेक कर रहे हैं, हमको एक चीज़ समझ में आ गया है कि ये जो है ना, ये जो कंडीशन लिख रहे हैं ये इस टेस्ट केस को बड़ा से सेटिस्फाई कर रहा है कि ए का डेटा यहाँ पे क्या है, वन, वन लेस देन क्या है, टू, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमको मर्ज इस लिस्ट में करना है, तो हम क्या कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं कि हमको इस टू को इसमें कब इंसर्ट करेंगे। इस टू को हम हमारे पहले लिस्ट में तभी इंसर्ट करेंगे जब वन के जो नेक्स्ट नोड, वन का जो नेक्स्ट नोड है उसका डेटा बड़ा होना चाहिए हमारे दूसरे लिस्ट के पहले नोड के डेटा से, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो कोई नहीं, हम वही कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि यदि अगर ए के नेक्स्ट का डेटा क्या हो, ए के नेक्स्ट का डेटा अगर हमारा ग्रेटर और इक्वल टू भी हो सकता है बी के डेटा के ना, तो उस केस में भाई हम क्या करेंगे, उस केस में हम उसको मर्ज कराएंगे हम उस लिस्ट में। तो सी में असाइन कर देते हैं बी और डी में असाइन कर देते हैं सी का नेक्स्ट। क्यों? अभी डी जो है ना, सी पॉइंट कर रहा है हमारे सेकेंड नोड के, सेकेंड लिस्ट के पहले नोड को जो कि है टू, और डी पॉइंट कर रहा है उसके अगले नोड को, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली सी के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं ए का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ए के नेक्स्ट में असाइन करवा देते हैं बी, और फिर बी में असाइन करवा देते हैं डी, और ए में असाइन कर देते हैं सी। ये हमारा इफ ब्लॉक का काम कंप्लीट हो गया। अगर डेटा छोटा है तब ये करेंगे, अगर छोटा नहीं है तब हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, उस नोड को छोड़ के अगले वाले नोड के पास चले जाएंगे, ठीक है। और ये इफ कंप्लीट होने के बाद हम चेक करते हैं, ये इफ नहीं, अगर ये वाइल लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या यदि ए के नेक्स्ट में अगर नल आ गया ना भाई, एक चीज़ तो कन्फर्म है, क्या है कि हम जो ये काम कर रहे हैं ना, तो दोनों लिस्ट में वो एक लिस्ट जो है वो पहले ख़त्म हो जाएगा और दूसरा लिस्ट हमारा बाकी रहेगा। तो हमको क्या करना है, अगर ए के नेक्स्ट में नल है ना, तो ए के नेक्स्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे असाइन करवा दो बी। अगर नल है तो नल में असाइन हो जाएगा। अगर बी, मान लीजिए हमारा पहला लिस्ट में दो ही नोड है और दूसरे लिस्ट में पाँच नोड है, तो मर्ज कब तक कर रहे हैं हम, दो ही नोड तक मर्ज कर रहे हैं, लेकिन हमको जो लिस्ट भेजना है वो सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना है, इसीलिए हम ए के नेक्स्ट में असाइन करवा दिए बी। आपको ये चीज़ ऑल क्लियर होगा जब आप इसको ड्राई रन कीजिएगा, ठीक। ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न करा देंगे हेड वन को, क्योंकि हम अपने पहले लिस्ट में इंसर्शन किए हैं, सॉरी मर्जिंग किए हैं, इंसर्शन हम क्यों बोल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी का उल्टा, मान लीजिए इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा का मतलब ये हुआ कि ए का जो डेटा है वो ग्रेटर है बी के डेटा से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने दूसरे लिस्ट में नोड को मर्ज करेंगे। तो उसके लिए भी हम एक लूप चलाते हैं, वाइल जब तक बी का नेक्स्ट नल के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, एंड और जब तक ए नल के इक्वल ना हो जाए, तब तक हमको ये लूप चलाना। और इस लूप में हम जो ऊपर में कोड लिखे हैं ना, उसी में थोड़ा वेरिएशन करके यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या अगर बी का नेक्स्ट का जो डेटा है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर और इक्वल्स है किसके,
एक है डेटा का ना, उस केस में भाई हम क्या करेंगे, उस केस में हम मर्जिंग करेंगे, तो सी में असाइन करवा देते हैं ए, ठीक है, डी में असाइन करवा देते हैं सी का नेक्स्ट, और फिर सी का नेक्स्ट, देन आफ्टर डैट सी के नेक्स्ट में अगर आपको ये कोड लिखना है ना, तो आप इसका डायग्राम बना के इसका पढ़ाई से ड्राई रन कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हर स्टेप में हम क्या अपना एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और बी के नेक्स्ट में फिर असाइन करवा देंगे ए, ठीक है, और ए के में असाइन करवा देंगे डी, क्योंकि अब हमको ये काम फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड भी करना है, तो फिर बी में असाइन करवा दिए सी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में हम क्या लिखते हैं, अब बी में असाइन करवा दो बी का नेक्स्ट, ठीक है। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि ये अगर बी के नेक्स्ट में नल है ना, तो बी के नेक्स्ट में आप ए असाइन करवा दो, बात खत्म। बी के नेक्स्ट में नल आ गया इन केस, तो आप क्या कर दो, आप बी के नेक्स्ट में असाइन करवा दो ए, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम एल्स में क्या रिटर्न करा देंगे, हम अपना हेड टू रिटर्न करवा देंगे, हो गया हमारा काम कंप्लीट है, ठीक है। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं कोड फटेगा भी क्या, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ है, लेट्स सी। तो पहला जो था टेस्ट केस, उसमें हमारा फाइव जो था वो छोटा ग्रेटर है टू से, तो क्या होगा, ये हमारा एल्स पार्ट चलेगा, तो क्या हुआ, टू थ्री फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टी, जो कि बिल्कुल सही है। कस्टम इनपुट क्या है, कस्टम इनपुट हम कुछ और दे के देखें क्या, कस्टम इनपुट में हम हमारे ये लिस्ट को पास करके देखते हैं, ठीक है। तो कस्टम इनपुट में, वेट अ मिनट, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, अब लिखते हैं। तो एम का वैल्यू है टू, ठीक है, एन का वैल्यू है टू, और हमारे जो नोड का डेटा है वो है वन, फिर वन, और सेकंड वाले लिस्ट का जो डेटा है वो है टू और देन फोर। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या मर्ज सही से हो रहा है हमारा। तो वन वन टू फोर, जो कि बिल्कुल सही। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, कहीं को कुछ कोड हमारा फटे, लेट्स सी। मे बी आई गेस हमारा प्रॉब्लम तो सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, कोई सा भी ऐसा टेस्ट केस था जो कि नहीं फटा है, ठीक है। अब हम क्या किए, अब हम उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी कोड है, अगर आप इसके प्रॉब्लम जो कहना चाहता है आप उसको अगर अच्छे से एनालिसिस कर लिए ना, तो कोड लिखना बहुत इजी है, ठीक है। हमको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, हमको उसको मर्ज करना है, और ऐसे मर्ज करना है कि मर्ज करने के बाद भी वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहें, ठीक। तो मेरे दिमाग में क्या सॉल्यूशन आया, थोड़ा ऑप्टिमाइज, हम एक काम करते हैं, हम पहले दोनों डेटा को कंपेयर कर लेते हैं, लिस्ट के जो दोनों लिस्ट में दो जो लिस्ट है उसका पहला नोड का डेटा को कंपेयर कर लिए। अगर मान लो पहले लिस्ट का डेटा छोटा है हमारे दूसरे लिस्ट के नोड के डेटा से, तो हमको ये समझ में आ गया कि अब हमको पहले लिस्ट में हम मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। हम ये चेक करेंगे कि पहले लिस्ट में जो हमारा पहला नोड के बाद का जो नोड है, अगर उसका डेटा बड़ा है किससे, हमारे दूसरे नोड के, अच्छे से सुनिएगा क्या कर रहे हैं, हमारे दूसरे नोड के पहले नोड, दूसरे लिस्ट के पहले नोड के डेटा से। तो हमको ये समझ में आ गया कि अभी जो हमारा दूसरा लिस्ट का पहला नोड है वो हमारे पहले लिस्ट के बड़ाई से फर्स्ट नोड के बाद इंसर्ट होगा, ठीक। इंसर्ट करा लिए, तो इंसर्ट कराने का काम हम यहाँ पे लिखे हैं इस कोड को, अब ड्राई रन कीजिएगा आपको क्लियर होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब हमको ये समझ में आ गया कि हमको अब ए में बड़ाई से उस नोड के लिए जो हमारा बी लिस्ट का जो नोड था उसके लिए वो अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। तो अप्रोप्रिएट जगह फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पता है कि हम ए ही फर्स्ट लिस्ट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट लिस्ट को पॉइंट कर रहा है हमारे ए नाम का पॉइंटर, इसीलिए हम ए में अपडेट कर दिए। अब ए जो है वो अगले नोड पे चला गया, और उसके बाद ये जो व्हाइल लूप में हम ये कंडीशन लिखे हैं ये तब तक चलेगा जब तक हमारा बड़ाई से एक लिस्ट हमारा
एग्जॉस्ट ना हो जाए, और अगर एक लिस्ट हमारा ट्रैवर्स होते होते ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम ये कंडीशन लगाए लूप के बाहर कि अगर एक एनेक्स में नल हो गया तो आप क्या कर दो, एक एनेक्स में नल हो गया इसका क्या मतलब, हमारा पहला लिस्ट जो था वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक। तो उस केस में हमको क्या करना है, सिंपली हम एक एनेक्स में असाइन करवा देंगे बी, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो दूसरा लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, तो हमको उसमें कुछ बड़े से चेंजेस नहीं करके उसको सिंपली हमारे लिस्ट में इंसर्ट करना है, ठीक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर मान लीजिए पहले लिस्ट का डेटा क्या है ग्रेटर है और दूसरे लिस्ट का डेटा छोटा है, दूसरे लिस्ट के पहले नोड का डेटा, तो हमको ये समझ में आ गया कि अब जो हम इंसर्शन कर रहे हैं वो हम अपने दूसरे लिस्ट में कर रहे हैं, तो सिंपली हम कंपेरिजन कर करके अगर हमारा डेटा छोटा आ रहा है तो हम ये मर्ज करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद एल्स पार्ट किए, अगर अगर इसमें भी बी के नेक्स्ट में नल आ गया तो बी के नेक्स्ट में हम सिंपली ए असाइन करवा देंगे और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट है। और हम अगर इसको सबमिट करके देख भी रहे हैं ना तो हमारा कोई सा भी कोड फट नहीं रहा है, कोई सा भी टेस्ट केस पर हमारा सारा टेस्ट केस सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये जो अप्रोच हम डिस्कस किए ये हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच था, ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना तो बिग ऑफ एन प्लस एम ही हो रहा है, और इसमें स्पेस हम कुछ यूज किए, कोई एक्सटर्नल नोड क्रिएट किए कहीं पर नहीं, हम जो हमको जो लिंक लिस्ट गिवन था उसी में ये टास्क परफॉर्म कर दिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप सिंपली क्या कीजिए, आप इसके कोड को ना सिंपली ड्राई रन करिए, ठीक है। ड्राई रन करने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे नोड का वर्किंग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से इस चैनल पर वीडियो है उस हिसाब से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ समझने में दिक्कत जा रही है आप कॉमेंट कीजिए, मैं एक एक कॉमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।